नमस्कार दोस्तों, द फिट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं जो 30 सालों से, 32 सालों से, कोई 50 सालों से डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। आज भी हमारे साथ परमजीत जी हैं जो पिछले 32 सालों से यहां पर आ रहे हैं और आज भी आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। परमजीत जी, द फिट टाइम में आपका स्वागत है। 32 सालों से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा में। हाँ जी, परमजीत परम पिता जी का हजूर महाराज ने इन्हों का नाम लिया हुआ साडा। उस तो बाद साढ़े तो मालक ने पौ 12 बच्चे की, घर के गरीबी से इन्नी बच्चे नहीं सके, तो मालक ने चढ़दिया कला गड्डिया मोटर से जहाजा से चढ़े हुए है इस टाइम पर। तो सच्चा सतगुर है तो सच्चा ही रहूगा। लोगों ने आह जो नशा माफिया ज कुछ भी उन्होंने ये काम किए हैं भी कि वे लोग नहीं, तो सतगुर तो साढ़ा पूरा तो पूरा ही रहूगा, चढ़दिया कला ही रहने। आरोप उन्होंने लगाए जा रहे लगाए झूठे ही है सारे, वो तो झूठे एकदम दुनिया के सामने ही आने हैं। मुँह तो चपेड़ा पैनिया, कहते सूरज में नहीं छिटे पै सकते, थुक नहीं पैंता उन्होंने। फिर इस तरीके झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? बिके हुए सी लोग, पैसा लिया लोगों ने, करोड़ों रुपया चल बिके हुए लोग, अज उ थर थर लोग कंब रहे हैं। लोगों के साथ को सिक्योरिटियां खो रहे हैं, कद कुछ आप खबर सुनते नहीं नित भी सानू आए हो जूगा जी, आए हो जूगा जो सच्चे सतगुर तो डरते क्यों? फिर जो इल्जाम लाए उन्होंने फिर कदों सिक्योरिटियां लेंगे आ। आप किसी चीज़ का डर नहीं, आप सतगुर तो डरते हैं। आपके प्यो आहो उन्हें अपन रही दुनिया तक नाल लाया, आपके कहक के नाल बसद किया। गुरु जी ने काम की किए समाज बहुत भलाई के काम किए, जिमें हम विधवा औरतों घर मकान बना के देंगे, बच्चों बना के देंगे। आपके इतने जे जतीम बच्चे हुए गुजरात भूचाल आए, सबन इतने इन्होंने आपके माँ बाप का दर्जा दिता, इन्होंने पढ़ाया लिखाया बच्चों। उन्होंने कोई यहोजा कोई काम करता ही नहीं गा, करता करके ता ही काल मचता। फिर गरीबों के लिए की किया? गरीबों लिए हूँ जिमें अपने विधवा औरतें जिन्होंने कई बच्चे होने वाले होंगे गर्भवती औरतें होंगे, उन्होंने हर महीने का राशन भी देंगे, भोजन भी देंगे, घर मकान बना के देंगे। प्रेमी अपने बहुत बहुत काम करी जाते हैं। वो पिता जी कि अज थोड़ा लगता गुरु जी की समाज में जरूरत है? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आ। हम आप इतना दरबार चाहते वो बिना तो घर आ सुनना ही लगता सानू, तो आज जितने आने सब तो उदे खुशी चढ़नी है। ये लोगों ने फसाए वे उन्होंने तो एकदम ना ये मुश्किलों का सामना करना ही पैना। थोड़ा कितनी याद आती है उन्होंने? सब तो बहुत याद आती, डर रात नींद नहीं आती, नींद नहीं आती सब तो। आज क्या हम लोग सब आना तो जो सा कुछ आई नहीं, इन्ना मुश्किल सब लगती सा घर आए जो अंदर भी घर तो खाली, इतना घर खाली ना माँ प्यो सा तो उस उचड़ा वसाया सानू उन्हें रोटी तो बैठे से ते मालक ने जिते तुम सब पहुँचाया इसे ने सच्चे सतगुर नहीं पहुँचाया। इन्हों का तो असं सारी उम्र तक देर तक नहीं दे सकते, मरिया तक भी असं तो कहना छड़ते गए। व्यवहार किमें करते? व्यवहार साढ़े ना बहुत वधिया, बहुत वधिया किया। इतने आते रहे आपके बच्चों को सामता सामते सी। हाँ असं भी सेवा साडा सारा परिवार पक्की सेवा जुड़िया हुआ। साढ़े पहले भंगीदास से परम पिता जी के वेले से अंकल तेरे हुई भंगीदास से चौकीदास से, तो इन्ना जानी रज के प्यार दिता सारे। असं भी सेवा च सजान भैन चीजा सानू भी पूरा प्यार मिलता रहा। हूँ तक बच्चे भी आते असं भी आने पर उन्होंने तो मेरा तो सानू जग सुनना ही दसदा। जेड़े लोगों ने यह काम किए ना उन्होंने एकदम सज़ा मिलेगी मिलेगी। असं सरकार को भी आने भी जोड़े है निर्दोष महापुरशों योजे करते हैं ना, तो उन्होंने आप ही सोचना चाहिए भी कि दुनिया के उत्ते हूँ होया वे जिदा ने महाराज जगन अंतर किया ना, दुनिया के उत्ते हल जल नहीं मची हुई, कोई टिका नहीं उस टाइम पर यहोजा दुनिया के उत्ते होया पे ना व्डा टुकी, तो कि दुनिया सारी हिली पई पागल होए पे लोग यहोजे हो लोगों की संदेश दूंगे। यानी भी साडा सतगुर पूरा है तो वह साथ दो, उन्होंने बारे ही दसो भी भाई साडा छेती छेती महाराज करे आना इतने, तो फिर अपन टका सारे साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी का जो लेडीज बता रही है जो 30 सालों से 35 सालों से आश्रम में आ रही है, लगातार आपके सामने लगातार हजारों लड़कियां चीख चीख कर बोल चुकी हैं कि झूठा बदनाम किया गया है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, गुमनाम चिट्ठी या फिर ये हजारों लड़कियां जो 15,000 के आसपास लड़कियां आपके सामने बयान दे चुकी हैं और करोड़ों लड़कियां आज भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आती हैं। आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।